बीते दिनों पश्चिम बंगाल के मिदनापुर शहर में रैली के दौरान टेंट गिरने से कई लोग घायल हो गए थे। उस दौरान रीता मोड़ी नाम की एक महिला भी घायल हो गई थी। आपको बता दें, घायल हुए लोगों को देखने के लिए पीएम मोदी अस्पताल भी गए थे, लेकिन जब वो उस घायल महिला के पास पहुंचे तो उस महिला ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगा था। उस दौरान पीएम मोदी ने उस महिला को ऑटोग्राफ देते हुए उसका हाल चाल जाना था। लेकिन गौर करने वाली बात तो है कि जिस महिला को पीएम मोदी ने ऑटोग्राफ दिया था, उस महिला की किस्मत चमक गई है। जी हाँ, आपको बता दें, उस महिला के घर अब लोगों का तांता लग गया है और लोग पीएम मोदी का ऑटोग्राफ देखने के लिए रीता के घर पहुंचे। गौर करने वाली बात तो है कि रीता के लिए रिश्ता भी आना शुरू हो गया है और बहुत से लड़कों ने रीता से शादी करने का प्रस्ताव भी रखा। वाकई में इसे किस्मत का खेल ही कह सकते हैं। जो रीता रैली के दौरान पीएम मोदी का भाषण सुनने आई थी, उससे क्या पता था जिस टेंट के पास वो खड़ी थी वो गिर जाएगा और पीएम मोदी की मुलाकात उससे अस्पताल में इस तरीके से होगी। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।